तो हम इस सरकार से उम्मीद करें कि नहीं करें कि वो नौकरशाही की जो इस धौंस है उसको खत्म कर देगी? हाँ, उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। मैं खुद बड़ा असमंजस में है। आप मैं दो और मुद्दे हैं जो मुझे, जब हमने देखा कि निर्भया कांड को लेकर इंडिया गेट पे युवा खड़े हो गए, तो कोई नेता नहीं था जिसमें इतनी ताकत हो कि वो आंख में आंख डाल के इन युवाओं से बात कर सके। वैसे ही हमने जब देखा कि मुखर्जी नगर में छात्र आंदोलनरत हैं, तो इस सरकार में भी संसद में खूब जवाब होते रहे। जब निर्भया कांड हुआ तब मैं सैकड़ों लोगों को भी अपने लोगों से पैसे जमा करके, खुद पैसे देकर, जितनी दे सकता हूँ बहुत तो नहीं दे सकता, मैंने वहाँ प्रदर्शन किया। नहीं, लेकिन नेता नहीं है, नेता लोग घर को नेता, तो ये इस सरकार ने कहा था कि हम वैसे नहीं है, पर आप भी अगर इस देश की तरुणाई से, इस देश के नौजवानों से बात नहीं कर सकते, तो आप भी वैसे ही कर तो रहे हैं। देखो, मोदी जब बोलता है तो अपने भाषण में वो नौजवानों को आह्वान तो करता है, पर आप बात तो नहीं कर पा रहे उनसे आमने सामने, उनकी उनका भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे आप? नहीं, देखिए, अब मोदी अभी सीख रहा है, अभी सीख रहा है। आपके यहाँ नौकरियों में लोग प्रोबेशन पे होते हैं कि नहीं? तो वो अभी अपने आप को प्रोबेशन पे रखा, तो ये मोदी जी का प्रोबेशन है। वो मोदी पत्रकारों से बात नहीं करता है, पत्रकारों से मुठभेड़ करने की हिम्मत मेरे जैसे आदमियों में होती, प्रधानमंत्री और नेताओं में नहीं होती। इस मुल्क को चलाने के लिए 10 प्रधानमंत्रियों जितना साहस आपने चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाने से साहस पैदा नहीं होता। हाँ, वो या तो ट्विटर के जरिए बात कहते हैं या फिर मंच पे भाषण देते हैं, अंदर से आता है। और जब तक आप बिल्कुल निर्मल नहीं, तब तक आप किसी का सामना नहीं कर सकते।